आरएसएस से रिलेटेड था और पीएम मोदी जी से ट्वीट पे रिलेटेड था और 28 फॉलोअर्स जो थे जिनको 28 मेंबर्स जो थे जिनको पीएम मोदी जी फॉलो करते हैं उसमें अमित जायसवाल जैन एक पर्सन था। हमने पीएम साहब को भी ट्वीट किया, पीएम साहब का कोई रिस्पांस नहीं है, मगर कहीं से हमें कोई हेल्प नहीं मिली, कोई हेल्प नहीं मिली हमें। हम कहते रहे, मैंने ट्वीट डाला कि मैं उसकी सिस्टर हूँ, हमें रेमडेसिविर की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल से हेल्प की जरूरत है, हमें कुछ अपडेट्स नहीं मिल रही, बट किसी ने हमें कुछ हेल्प नहीं की। अमित व्हाट्सएप डिस्प्ले इमेज इज स्टिल अ पिक्चर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अमित जायसवाल जैन ने पूरी अपनी जिंदगी पीएम मोदी जी के लिए निकाल दी, एक एक चीज उनके लिए फॉलो किया, उसकी गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ था, पीएम मोदी जी की फोटो लगी हुई थी, हमने बिल्कुल उस स्टिकर को खा दिया। ऐसे पीएम साहब की हमें क्या जरूरत है जो हेल्प नहीं कर रहे हमारी। ठीक है, हम समझ रहे हैं हाहाकार की दुनिया है, बहुत महामारी हो रही है, हर घर में परेशानी है, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है, कंट्री के फर्स्ट पर्सन है। मेरी उनसे हाथ जोड़ के पर्सनली रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज मेरी बात जाती है, किसी और के संग नहीं होना चाहिए। हमने अपना भाई और माँ खो दी, कोई और ना खो, दलित परिवार के लिए सोचिए जिसके पास पैसा नहीं है, आप हॉस्पिटल के लिए कुछ करिए, एक्शन लीजिए। मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, सीएम योगी जी, पीएम मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बी इन एक्शन। यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री, आई एम जस्ट बेगिंग यू, कम ऑन, दिस इज योर ड्यूटी। अमित जायसवाल वॉज वेरी एक्टिव पर्सन फॉर इन आरएसएस, इवन वो मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकता था, इतना बोलता था, अगर उनको कुछ बोलो कहता था कि मोदी जी और योगी जी के लिए कोई कुछ कहेगा तो मैं मारूंगा, पीट हुआ। अमित जायसवाल ने श्री राम जन्मभूमि जी का बोर्ड लगाया कॉम्प्लीमेंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी मार्च में गया था। बहन जी से आप पता कर सकती है जन्मभूमि, आप पता कर सकते हैं, मैं आपको फोटो दिखा सकती हूँ, फोटो शेयर कर सकता हूँ। लड़का वहाँ बोर्ड लगा के आया, मैं अयोध्या में अभी।